नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान टीएनबी कॉलेज में फिर पकड़े गए आधा दर्जन मुन्ना भाई, नकल करते 5 छात्र हुए निष्कासित। विश्व कैंसर दिवस पर भागलपुर में जांच सेंटर खुलने की उठी मांग, डॉक्टरों ने कहा तंबाकू और अर्धसैनिक युक्त पानी के सेवन से मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोराडी में किया मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, हथियार के साथ दो गिरफ्तार। जिले में नहीं थम रहा है अपराध का कहर, नवगछिया और नाथनगर में गोलीबारी से मची दहशत, दो पक्षों के बीच भी भिड़ंत, मुखिया पुत्र घायल। और भागलपुर में लगातार जारी है सड़क हादसों का दौर, दोगच्ची में ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर में 6 घायल, एक की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। इंटरमीडिएट की परीक्षा में गुरुवार को भी टीएनवी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 6 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, जबकि 5 छात्रों को नकल करते पकड़े जाने पर निष्कासित किया गया। बता दें कि बुधवार को टीएनवी कॉलेज से 23 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। इधर भागलपुर के सभी परीक्षा केंद्र पर सघन जांच किया जा रहा है, लेकिन मुन्ना भाई भी काफी शातिराना अंदाज में परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को टीएनबी कॉलेज में ताड़ल कॉलेज के सौरभ कुमार, शाहजहां एवं महादेव सिंह कॉलेज के प्रीतम कुमार, गोलू कुमार और सौरभ कुमार को नकल करते पकड़े जाने पर एक्सपेल्ड कर दिया गया। वहीं परीक्षा की पहली पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा हो रही थी, जिसमें एके गोपालन इंटर कॉलेज के छात्र छोटू कुमार के बदले पुरुषोत्तम कुमार को परीक्षा देते शिक्षकों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरी पाली में चल रही इतिहास विषय की परीक्षा में भी मुन्ना भाई इतिहास रचने की कोशिश में लगे थे, लेकिन शिक्षकों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया और 6 फर्जी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड, फोटो एवं नाम पते के आधार पर दबोच लिया। आधा दर्जन फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टीएनवी कॉलेज में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि शंका होने के बाद परीक्षार्थियों की जाँच की गई। इनमें कुछ का फोटो एडमिट कार्ड पर चिपके फोटो से नहीं मिला, कुछ का फोटो स्पष्ट नहीं था। इस दौरान जब उनसे हस्ताक्षर कराया गया तो वह सही नहीं मिला। इधर पुलिस जांच कर रही है कि पूरे मामले के पीछे कौन सा रैकेट काम कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि मामले को लेकर टीएनबी कॉलेज के केंद्राधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट परीक्षा में किसी भी सेंटर पर कदाचार नहीं होने दिया जाएगा। आज जो है अभी तक एक विद्यार्थी दूसरे के बदले में परीक्षा देते हुए पकड़े पाए गए हैं, जिसको कि पकड़ा गया है, और 5 विद्यार्थी नकल करते हुए पाए गए हैं। सख्ती से जो है उसकी जो है जांच चल रही है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक कि एक अंतिम विद्यार्थी भी, अगर एक भी विद्यार्थी अगर चोरी करता पकड़ा जाता है तो उसको एक्सपर्शन किया जाएगा, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि परीक्षा चलती रहेगी। ये अभी चल रही है, सेकेंड सिटिंग भी होगी, कल भी इसकी होगी। पिछले कुछ दशकों से कैंसर के मामले दुनिया भर में बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसको लेकर लोग काफी डर में रहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, बढ़ती उम्र और वातावरण ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर सेल्स की ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कैंसर होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। डॉक्टरों की माने तो वर्तमान में स्तन कैंसर सबसे आम हो गया है, जिसके बाद सर्वाइकल और फिर ओवेलियल कैंसर आता है। इधर भागलपुर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस के कैंसर वैश्विक प्रभाव को कम करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना एवं इसकी सही जानकारी देकर मरीजों की मदद करना है। डॉक्टर इमराना ने कहा कि कैंसर के लक्षणों को अगर शुरुआती अवस्था में पहचान लिया जाए तो इलाज के जरिए इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। भागलपुर मायागंज अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग द्वारा मिली आंकड़ों पर गौर करें तो प्रतिमाह 40 लोग विभिन्न अंगों के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। रेडियोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष आनंद मुरारका के मुताबिक लोग गॉल ब्लैडर, लीवर, फेफड़ा, स्तन, हड्डी और ब्रेन कैंसर से तेजी से ग्रसित हो रहे हैं। इनमें भागलपुर के अलावा बांका, खगड़िया, मुंगेर और अररिया के मरीज भी शामिल हैं। वहीं शहर के मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर स्नातन कुमार ने बताया कि स्मोकिंग की वजह से भारत में ज्यादातर पुरुषों को फेफड़ों का कैंसर होता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन काफी घातक है और इसके लगातार सेवन से मुंह के कैंसर होने की संभावना है।
वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान के मुताबिक हड्डी का कैंसर 5 चरणों में होता है, जिसको हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करना, और उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स है। अगर उसमें बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मैलिटी है तो हमको यूट्रस रिमूव करना होगा, और अगर नहीं है तो हम मेडिसिन ज्यादा दिनों तक का दिया जा सकता है और उससे ठीक हो सकता है, बचा जा सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा मनाया जाता है, ग्लोबली मनाया जाता है इसको। हम लोग के पास सबसे ज्यादा पेशेंट कैंसर के, मुंह के कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा है। हर दिन हमारे क्लिनिक में 3 से 4 पेशेंट कैंसर से पीड़ित, मुंह के कैंसर से पीड़ित 3 से 4 पेशेंट रोज ही आते हैं। गुटखा सिगरेट तंबाकू का चलन इतना ज्यादा बढ़ गया है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर। से MRI हुआ है तब से अर्ली डिटेक्शन होने लगा। MRI एक बहुत ही सुदमंद इन्वेस्टिगेशन है, और हिस्टोपैथोलॉजी भी अब होने लगा है। कई एक ऐसे बहुत ही तजुर्बाकार डॉक्टर लोग पैथोलॉजी वाले आ गए हैं जो इसमें बहुत माहिर हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन डिफिनेटिव ट्रीटमेंट में अंग काट देने के बाद भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जरूरत है। भागलपुर पुलिस की सक्रियता के कारण बुधवार की देर रात्रि गोराडी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। SSP निताशा गुड़िया ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गोराडी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित किया। इसकी जानकारी SSP निताशा गुड़िया ने गोराडी थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। SSP ने बताया कि छापेमारी दल ने गोराडी थाना क्षेत्र के नदियामा गाँव पहुंचकर कपूरी ताती के यहाँ जब दबिश दी तो वहां से एक देशी राइफल और एक देशी पिस्टौल के साथ कारतूस और विदेशी शराब भी बरामद हुआ। पुलिस ने हथियार और शराब के साथ मौके से कपूरी ताती को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में कपूरी ताती की निशानदेही पर गोराडी थाना के स्वरूप चक निवासी वकील शर्मा के यहाँ जब छापेमारी की गई तो वहां से देशी पिस्तौल के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री बरामद हुई, जिसके बाद वकील शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही SSP ने कहा कि मिनी गन फैक्ट्री संचालन की गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस की सक्रियता से 2 लोगों के साथ देसी हथियार और हथियार बनाने की सामग्री को बरामद किया गया है। पुलिस जिला नवगछिया के पकरा गांव में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई। घटना में पंचायत के मुखिया अशोक शर्मा के पुत्र कुमार गौरव को एक गोली पीठ में लग गई है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिकी इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मामले को लेकर SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को आवेदन भी सौंपी गई थी, लेकिन आज विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। ये पंचायत चुनाव को लेकर के ही टेंशन है, आपको लगता है कि विपक्षी जो है वो इनको डराना धमकाना चाह रहे हैं, चुनाव में खड़ा नहीं हो इस तरह से कुछ ना कुछ भय पैदा करना चाह रहे हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि इससे अब चीज़ ना हो। तो सुनने में जो परिजन बता रहे हैं कि उनकी पीठ में या कमर के आसपास में गोली कहीं लगा हुआ है, तो अभी एक टीम निकल गई है, उनसे बयान लेके फिर आपको बता पाएंगे। इधर भागलपुर नाथनगर क्षेत्र के सब्जी मंडी स्थित कुशवाहा खाद बीज भंडार दुकान पर गुरुवार की दोपहर 3:30 बजे के करीब एक बदमाश ने दहशत फैलाने के मकसद से दुकानदार पर गोलीबारी कर दी। हालांकि घटना में दुकानदार बलवीर कुमार बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पर 2 थानों की पुलिस के साथ नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन भी मौके पर पहुंचे और दुकान में लगी CCTV फुटेज को खंगाला, जिसमें गोलीबारी करने वाले बदमाश की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। बता दें कि बदमाश द्वारा चलाई गई गोली दुकान के दीवार में लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश के पास एक हाथ में कट्टा और दूसरे हाथ में बम था। पीड़ित दुकानदार के लिखित बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए लगातार विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। भागलपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जिला प्रशासन सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर लापरवाह लोग सड़क हादसों को दावत दे रहे हैं। ताजा मामला दोगच्छी का है, जहां मुरारपुर के समीप एक ऑटो और ट्रैक्टर में भयानक टकराव होने के कारण ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना को लेकर घायल व्यक्ति वरुण यादव ने बताया कि वह 6 लोगों के साथ ऑटो में सफर कर रहा था कि इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना होने के कारण 6 लोग समेत एक ड्राइवर घायल हो गए हैं।
जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इधर घटना के बाद कुम्हारपुर निवासी वीरजीय बिंद गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथ ही दुर्घटना में उसकी पत्नी और परिजनों को भी गंभीर चोटें आई है। मेरा घर तिलकपुर पड़ता है सर, तो हम लोग मैं इसी में चढ़ रहे थे और भागलपुर आ रहे थे। मुरारपुर के आसपास आया टेम्पो और ट्रैक्टर में मैंने एक्सीडेंट कर दिया, हम लोग को मैंने धक्का लग गया। तो भागलपुर नाथनगर अंचल में घुसकर गुरुवार को एक स्थानीय दबंग ने अंचल के डाटा एंट्री ऑपरेटर की जमकर पिटाई कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे सीओ से भी उसने हाथापाई की। इस दौरान वहां मौजूद अन्य कर्मियों को भी गाली गलौज करते हुए जान मारने की धमकी भी दी गई। घटना की जानकारी पर मधुसूदनपुर पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया था। घटना का कारण अंचल से संबंधित काम में लेट होना बताया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर नितेश कुमार ने बताया कि नया टोला मिर्जापुर निवासी रितेश यादव ने मोटेशन के लिए बीते कुछ दिन पहले संबंधित कागजात दिए थे, जिसकी जानकारी लेने वो गुरुवार को अंचल पहुंचा। इस दौरान कर्मी ने कहा कि वह हमारा काम नहीं है, किसी दूसरे कर्मचारी से इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। इसी बात से रितेश आग बबूला हो गया और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी देख बीच बचाव करने पहुंचे सीओ राजेश कुमार ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन रितेश उससे भी उलझ गया और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद अंचल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दबाव में डाल के लाओ मेरा रिकॉर्ड, यहाँ कर्मचारी को देते हो, हम कहाँ से देंगे, हम तो यहाँ देते हैं, हम कर्मचारी साहब को देते हैं, एक मेरा माध्यम है पहुँचाने का। चले भाई, पब्लिक को दिक्कत नहीं है, लिया बोला कि मेरा रिकॉर्ड तो नहीं थी, एक था। जैसे ही हाथ उठा दिया हम पे, तो हम भी सर को पुकारने लगे, सर आए बीच में, आए तो फिर हाथ पैर उसका चलता ही रहा, बात नहीं ना, गाली भी क्लोज कर रहा था ना वो बार बार। जैसे ही उसी साहब गार्ड को बुलाने भेजे, भागा दौड़ते हुए बाहर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे सुलभ शौचालय में कार्यरत पीरपैंती शेरमारी निवासी विश्वकर्मा मेहतर की मौत ड्यूटी के दौरान हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव के साथ घटनास्थल पर जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही जीआरपी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर गिरीश मिश्रा मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया। इधर मृतक की पत्नी गुंजा देवी ने कहा कि उसका पति विश्वकर्मा बुधवार की रात नाइट ड्यूटी में गया था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे अचेत अवस्था में घर पर पहुंचा दिया और कारण पूछने पर कहा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। साथ ही गुंजा देवी ने पति की मौत पर आशंका जताते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। डिप्टी करने आया था, डिप्टी में क्या हुआ ना हुआ हमने जानते हैं। कहाँ ड्यूटी करता था? सुसाले टीशन में, बाहर वाला जो है वही वाला टीशन में आया था। और ना से क्या हुआ, ना से मुख कुछ बोली नहीं, खोला था मुकान बंद हो गया, मेरा घर में पहुँचा दिया। हमको इंसाफ चाहिए। दो आदमी ले गया था, वही दोनों सुया दवा भी दिलाया था। और हम बोलबो कि भैया बोली तोली बंद हो गया, अगर दवा दे दिलो ठीक हो जाए तो 4 बजे फिर ले जाओ, 4 बजे तक में बोली बंद नहीं हो गया। तिलकामान जी, भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में आज रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव के शोध निर्देशन में शोधार्थी नेहा झा का पीएचडी वाइवा संपन्न हुआ। बता दें कि शोधार्थी नेहा झा ने क्वालिटी लाइफ ऑफ स्ट्रोक सर्विसेज अक्रॉस जेंडर पर रिसर्च किया है।
वहीं पीजी मनोविज्ञान विभाग में आयोजित ओपन पीएचडी वाइवा में टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी भी पहुंचे। इधर शोधार्थी का वाइवा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना मनोविज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर तारिणी जी ने लिया। उन्होंने शोधार्थी से पीएचडी शोध विषय से संबंधित कई सवाल पूछे। मौके पर कुलपति सहित अन्य शिक्षकों ने भी अपना अपना सवाल किया। इस दौरान शोधार्थी नेहा झा ने शिक्षकों के सवालों का जवाब दिया। मेरा टॉपिक था क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ स्ट्रोक सर्वाइवर्स अक्रॉस जेंडर। इसमें मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स जो स्ट्रोक सर्वाइवर्स होते हैं उनका, एंड जो मेरा रिजल्ट आया उसमें मैंने ये देखा कि फीमेल्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ सारे डोमेन्स में, जैसे कि सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल डोमेन में फीमेल्स का काफ़ी पुअर है क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कंपैरिजन टू मेल्स, एंड जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड डोमेन था दैट वाज़ द फिजिकल डोमेन। भागलपुर में घंटाघर पर SDRF और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सड़क सुरक्षा माह को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को अपनी लेन में ही गाड़ी चलाने, ओवरटेक नहीं करने, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग नहीं करने, व्यस्त सड़कों पर गाड़ी पार्क नहीं करने के साथ किसी भी स्थिति में यातायात के नियमों को नहीं तोड़ने के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा स्कूल और हॉस्पिटल के समीप तेज हॉर्न नहीं बजाने की अपील वाहन चालकों से की गई। बता दें कि 18 जनवरी से चल रहा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 17 फरवरी तक चलेगी और इस दौरान विभिन्न जगहों पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियम की जानकारी अलग अलग विभागों द्वारा दी जा रही है। वहीं कार्यक्रम को लेकर रेड क्रॉस की सह प्रभारी संगीता कुमारी ने कहा कि आपदा से अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है और सभी नागरिक जागरूक रहेंगे तो इस तरह की घटना में काफी कमी लाई जा सकती है। परिवहन पदाधिकारी महोदय, MDI महोदय भागलपुर, और आज का कार्यक्रम ही नहीं, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जिला पदाधिकारी भागलपुर महोदय के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा माह जो चल रहे हैं, विभिन्न जगह घंटाघर हो गया, तिलका माझी चौक हो गया, मनाली चौक हो गया, सोबौर हो गया, नौगछिया हो गया, ये सब जगहों पर जागरूकता अभियान जिला में चल रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे अभियान में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नव पदस्थापित ANM के 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर में किया गया। क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भागलपुर प्रमंडल की ओर से आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में भागलपुर के सभी 8 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नव पदस्थापित ANM को उनके कार्य और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। इस दौरान ANM का दायित्व और भूमिका की जानकारी के साथ समुदाय स्तर पर होने वाले संचारी और गैर संचारी रोग को लेकर उन्हें जागरूक करने की भी ट्रेनिंग दी गई। साथ ही बताया कि एक ANM 10,000 की आबादी को अपनी सेवा प्रदान करेगी, जिनमें उनकी मदद के लिए 5 आशाकर्मी को लगाया जाएगा। इसके अलावा बैठक में प्रशासनिक कार्यों, रिपोर्ट्स तैयार करने, टीकाकरण, रोग के लक्षणों की पहचान कर उसका उपचार करने और स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को जागरूक करने से संबंधित बातों पर चर्चा की गई। वहीं RPM अरुण प्रकाश ने कहा कि भागलपुर के सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्त की गई ANM को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संचालन और कार्यों की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे भागलपुर शहर में जो मलिन बस्ती है या इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हम लोग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जो है ये केंद्रों का संचालन हो रहा है। और भागलपुर में कुल 8 जो सेंटर हैं शहरी स्वास्थ्य केंद्र, उसमें जो ANM के पद पे नए ANM लोगों का चयन हुआ है, कुल 40 यहाँ पे वैकेंसी थी जिसके अगेंस्ट में 37 लोगों ने योगदान कर दिया है। पीरपैंती प्रखंड परिसर में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दिया गया एवं प्रखंड परिसर से पैदल मार्च निकालकर बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। बिजली उपभोक्ताओं ने सुंदरपुर, शेरमारी, पीरपैंती बाजार, मानिकपुर तथा बाराहाट में DS1 की सारी सुविधा लागू करने,
गलत पुरानी बिजली बिलों को माफ करने, तत्काल बिजली कनेक्शन काटने का कार्य बंद करने, उपभोक्ताओं का कनेक्शन अविलंब जोड़ने की मांगों का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बिजली विभाग के जेई को सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इन सारी समस्याओं का समाधान अति शीघ्र नहीं हुआ तो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीओ शंभु शरण राय थे। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने की। इस दौरान सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में डीजे नहीं बजाने का निर्देश कोचिंग संस्थान, स्कूल के प्राचार्य सहित आम लोगों को दिया गया। बैठक में कोचिंग संस्थान के विकास कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज, पूर्व वार्ड पार्षद आली काजमी, शिवम चौधरी समेत तमाम दल के नेता, समाजसेवी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान टीएनबी कॉलेज में फिर पकड़े गए आधा दर्जन मुन्ना भाई, नकल करते 5 छात्र हुए निष्कासित। विश्व कैंसर दिवस पर भागलपुर में जांच सेंटर खुलने की उठी मांग, डॉक्टरों ने कहा तंबाकू और अर्धसैनिक युक्त पानी के सेवन से मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोराडी में किया मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, हथियार के साथ दो गिरफ्तार। जिले में नहीं थम रहा है अपराध का कहर, नवगछिया और नाथनगर में गोलीबारी से मची दहशत, दो पक्षों के बीच भी भिड़ंत, मुखिया पुत्र घायल। और भागलपुर में लगातार जारी है सड़क हादसों का दौर, दोगच्ची में ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर में 6 घायल, एक की हालत गंभीर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।